नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट इशू को डिस्कस करने के लिए जीएसटी में, और वो है टीडीएस अंडर जीएसटी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि टीडीएस का प्रोविजन सेक्शन 51 जो लॉ में था वो डे वन से इंट्रोड्यूस था, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन था वो सस्पेंडेड था और गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ ए सडन 1 अक्टूबर 2018 से उसकी एप्लीकेशन को शुरू करवा दिया। अब वो एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से शुरू हो गई। आज हम डिस्कस करेंगे उस जीएसटी के टीडीएस के ऊपर जो जीएसटी में काटना है हमें, उसके ऊपर हमने 20 पॉइंट्स, 20 सूत्र बनाए हैं। उन 20 सूत्रों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दोस्तों, ताकि जीएसटी के अंडर जो ये टीडीएस में ऊपर जो मिस्ड है ये क्लियर हो और ताकि क्लैरिटी आए। सबसे पहले तो डिडक्टर कौन है इसमें। डिडक्टर दोस्तों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीएसयूज हैं, लोकल अथॉरिटी है और उस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें 51% या उससे अधिक उसका कंट्रोलिंग पावर है वोटिंग की हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से। दूसरा डिडक्टी कौन हो सकता है। डिडक्टी कोई भी हो सकता है जो कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई करेगा, डिडक्टर को मतलब गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा। इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट क्या है। टैक्सेबल इवेंट है कि अगर गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होते हैं जिनकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से एक्सीड करती है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तब इवेंट है, टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है। और ये 2.5 लाख रुपए को डिटरमाइन करने के लिए आपको इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को जोड़ना नहीं है, अनलाइक ईवे बिल। ईवे बिल में हम 50,000 रुपए की वैल्यू को बनाते हुए टैक्स को जोड़कर बनाते हैं, यहां पर 2.5 लाख की वैल्यू बनाते हुए टैक्स को एक्सक्लूड करना है। रेट क्या होगा, 1+ CGST, 1% SGST और अगर आईजीएसटी है तो 2%। एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए तक की, अगर 2.5 लाख रुपए तक का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज, तो आपको टैक्स टीडीएस नहीं काटना है। डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट, हर महीने आपने टैक्स कलेक्ट करना है और उससे सक्सीडिंग मंथ में 10 तारीख तक आपने ऑनलाइन इसको जमा कराना है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है 10th ऑफ एवरी सक्सीडिंग मंथ आपको रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 7। टाइप ऑफ रिटर्न मंथली है, GSTR 7। सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन GSTR 7A में सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट जो है आपने हर ट्रांजैक्शन का मंथली बेसिस पे GSTR 7A में सप्लायर को देना है। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, 10वां पॉइंट, आपने मान लीजिए अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर महीने का टैक्स आपने 10th तक जमा कराना है। 10th तक जमा करा के उसके 5 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया, एक्सचेकर को पे कर दिया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको GSTR 7A में सर्टिफिकेट सप्लायर को, डिडक्टी को इश्यू करना है। लेट फी फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, 100 रुपए प्रतिदिन की लेट फी है, मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज। सीजीएसटी 100 रुपए, एसजीएसटी 100 रुपए, 200 रुपए प्रतिदिन, 5,000 रुपए मैक्सिमम सीजीएसटी, 5,000 रुपए एसजीएसटी, 10,000 रुपए मैक्सिमम। अगर अब टीडीएस काटा है तो रिफ्लेक्ट कहां होगा, 12वां पॉइंट, 7A में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि एक सर्टिफिकेट है टीडीएस डिडक्शन का। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, टीडीएस काटने की लायबिलिटी कब नहीं आएगी, पहली बात तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम हो, दूसरी बात अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, रिवर्स चार्ज में सप्लाई है, या यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट को कोई भी गुड्स और सर्विसेज, टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। वेन टू डिडक्ट, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कब काटना है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 15वां पॉइंट, लेट फी फॉर रिटर्न 100 रुपीज पर डे सी, 100 रुपीज पर डे एस, 200 रुपए पर डे। पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन, अगर आपको टैक्स काटने की लायबिलिटी थी और आपने टैक्स नहीं काटा, तो आपको पता है कि पेनल्टी का सेक्शन 122 है, सब क्लॉज 5 है, जहां पर लिखा है कि अगर सेक्शन 51 में आपकी लायबिलिटी है टैक्स काटने की और आपने नहीं काटा, तो पेनल्टी क्या है, 10,000 रुपीज और टैक्स टू बी डिडक्टेड विच एवर इज हायर। दोस्तों नॉन डिडक्शन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स में आपने देखा होगा कि एक नो डिडक्शन या लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है,
जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है दोस्तों। 18वां पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जीएसटीआर 7A, 2A, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इन सब में आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा, यहां से आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। पीरियडिसिटी ऑफ रिटर्न, मंथली रिटर्न जानी है, मंथली टैक्स पे होना है। जीएसटीआर 7 में रिटर्न जानी है, 7A में टैक्स पे होना है। रजिस्ट्रेशन, अगर जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आपको एक सेपरेटली टीडीएस का रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा, टीडीएस नंबर भी लेना होगा। ये 20 सूत्रीय दोस्तों हमने एक सीरीज बनाई जिसमें 20 सवाल, 20 क्वेश्चंस, 20 पॉइंट्स थे टीडीएस ऑफ जीएसटी के ऊपर, सेक्शन 51 के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।